हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चरणजीत, नेचुरोपैथी और स्वास्थ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, जी हां, इस बीमारी को किस प्रकार आप, इसके जो सिम्टम्स है, इसको किस प्रकार आप कलर थेरेपी से कंट्रोल कर सकते हो। देखिए, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये बहुत ही एक क्रॉनिक डिजीज है लार्ज इंटेस्टाइन की, जिसे हम कोलोन भी कहते हैं या हिंदी में बड़ी आंत भी कहते हैं, बड़ी आंतड़ी मारी। उसमें क्या होता है कि उसकी जो अंदर की लेयर होती है, जो वो उसमें ना सूजन से आ जाती है, और जिससे उसमें छाले से आ जाते हैं, और वो छालों में पस और म्यूकस बनना शुरू हो जाते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें क्या होता है, इस सूजन करके और या छालों करके, अल्सर्स करके, आपको पेट में थोड़े से डिस्कम्फर्ट होता है, मरोड़ से आते हैं, आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, और आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, ताजो आप टॉयलेट डायरिया जैसे होने लगता है, आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि ये आपकी जब इम्यून सिस्टम एबनॉर्मल बिहेव करता है, ठीक से काम नहीं करता, तो उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। और साथ में ये क्या है कि इसमें जो लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उनको थोड़ी भूख नहीं लगती है, या उनका वजन गिरने लग पड़ता है, उनकी एनर्जी हमेशा लो रहती है, और वो जल्दी थके थके रहते हैं। ज़्यादा करके क्या होता है कि जो बच्चों में जब ये होता है, तो उनकी जो ग्रोथ है वो डिले हो जाती है, और उनका जो पूरी तरह शरीर बढ़ नहीं पाता है। और इसमें एक खान पीन के ध्यान तरीके से मैं आपका बताऊं, तो आपको लो फाइबर फूड खाने चाहिए, जिसमें जो कि आसानी से डाइजेस्ट हो जावे, और जिससे क्या होगा, आप वो जो बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है वो थोड़ा कम हो जाए, और आपका जो डायरिया है वो उसमें भी थोड़ा सा लिमिट हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि कलर थेरेपी में आपको मैं बताती हूँ कि कैसे करना है। तो इसमें हम लोग बढ़िया अंडरस्टैंड में देखिए, इसमें जो ग्रीन कलर हम लोग यूज़ करेंगे, जो कि हीलिंग कलर है, और कहाँ पे यूज़ करेंगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये हमारे एक्यूप्रेशर के हिसाब से हम जब जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है कि हमारी यहाँ पे जो आप दोनों फिंगर्स के बीच का एरिया हम लेंगे, तो वन फिंगर का हिस्सा छोड़ दोगे आप, तो यहाँ से हम चालू करेंगे। मैं आपको पहले थोड़ा सा पेन से ड्रॉ कर देता हूँ, तो आपको क्या इजी हो जाएगा। देखिए, इसमें क्या होता है कि वन फिंगर के एरिया हम छोड़ेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और ये आपको पूरा ये एरिया दिख रहा है ना, इसको हम टारगेट करेंगे, क्योंकि बीच में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, तो यहाँ पे जो लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ से यहाँ तक जाएगी, और यहाँ तक जैसे देखिए उभरा हुआ पार्ट आ रहा है, तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे, और यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे, और फिर से एक एक उंगली का एरिया फिर से हम छोड़ना है, और यहाँ से यानी ये फर्स्ट जोन ले सकते हो आप। यहाँ से हम फिर मुड़ेंगे, और यहाँ पे फिर वन फिंगर छोड़ते हुए आपको यहाँ से आपका कॉलोनी यहाँ तक आके आपको मोशन आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ब्लड मोशन का एरिया है, तो इसमें क्या है कि हम इतने एरिया में हम ग्रीन कलर करेंगे। और चलिए, मैं पहले आपको बताती हूँ कि कैसे करते हैं इसमें एरिया को हम करेंगे, बाकी का मैं आपको और फिर बताती हूँ। तो इसमें क्या है कि आपको हमारी क्या है ना, कॉलन थोड़ी जिग जैक टाइप की रहती है, थोड़ा ऐसे ऐसे जिग जैक होती है, तो हम इसे जिग जैक तरीके से जाएंगे इस प्रकार, ठीक है ना। और यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ी सी चौड़ी होती है, तो इस प्रकार से हम इसे करेंगे, और यहाँ पे हमारा मोशन हो जाएगा, तो ये इसको थोड़ा सा हम फिलिंग कर लेंगे ग्रीन में, पूरा का पूरा में ग्रीन, क्योंकि ग्रीन जो हमारे हीलिंग कलर है, तो हमारे जो छाले वाले अंदर हमारे स्वेलिंग है, उन्हें हमें ठीक करना है। तो ये हो गया, यहाँ पे हमारे एनएस में मोशन चला जाएगा, तो ये हुआ, ठीक है। अब हम पीछे की तरफ जाएंगे, अब सुजो के हिसाब से अगर हम लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये जो अपना इंडेक्स फिंगर की जो थंब के एरिए के साइड की है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जहाँ नील का कॉर्नर है, और पूरा नीचे तक हम इसे ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो इसे भी हम ग्रीन कर देंगे,
ताकि जो लार्ज इंटेस्टाइन पूरी तरह हील हो जाए। तो ये देखिए इसे हमने ग्रीन कर दिया। तो बस आपको इतना ही करना, आगे भी ये करना और पीछे भी ये करना आपको। तो इसमें क्या है कि जब भी अगर लोग मुझे पूछते हैं कि भाई हम लोग हाथ फाथ धोते हैं तो कलर हल्का पड़ जाता है, देखिए आप ऐसे टाइम पे लगाइए जब आप फ्री होते हो तो उस वक़्त आप ये लगाइए, और बीच में जब भी ये थोड़ा सा लाइट पड़ जाए तो आप इसे थोड़ा री अप्लाई कर लीजिए ताकि जो इसका असर हो। इसको आप दिन में भी लगा सकते हो और चाहे तो रात को भी लगा सकते हो। क्या होता है कि रात को क्या है कि जब ये इसके जो कलर थेरेपी है ना, ये बहुत ही देखिए हमारे नेचर में, इंद्रधनुष में, हमारे शरीर में, हमारे सातों चक्रास में सारे कलर्स मौजूद है, और हमारे खान पान भी आप देखोगे तो कलर्स में ही, हर चीज़ कलर्स में, हमारे कपड़ों में कलर है, हमारे नेचर में कलर, सब जगह कलर्स है। तो कलर्स हमारे शरीर में के, हमारे शरीर में होने से क्या है कि इसके जो वाइब्रेशंस जो है काम करते हैं। तो देखिए जब हम कोई भी कलर हमारा अगर कम होता है तो उस कलर की जो, उस चक्रा की जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, बीमारियां, वो हमें घेर लेती हैं और हम बड़े परेशान हो जाते हैं अब क्या किया जाए। तो इसमें क्या है जब हम एक्सटर्नल कलर अप्लाई करते हैं तो हमारे शरीर के जो कलर्स के वाइब्रेशंस है उससे वो मिल के और एक एनर्जी बैलेंस्ड हो जाती है और हम ठीक होने लगते हैं। तो इस करके हम लोग ये कलर थेरेपी यूज़ करते हैं, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, इंस्टेंट रिजल्ट देती है। तो इसे आप लगाइए और बहुत ही आसान है करने में, तो आप लगा सकते हो, आप 4 से 8 घंटे तक आप लगाइए और आपको फ़र्क दिखेगा। साथ में जो मैंने बताया आपको लो फाइबर फूड खाने हैं, और आप पॉजिटिव एक एटीट्यूड रखिए कि आप बेटर, और मेन क्या है ज़्यादा करके अपने जो स्ट्रेस है उसे थोड़ा हैंडल करना सीख लें, क्योंकि थोड़ा प्राणायाम करें, थोड़ा पॉजिटिव विचार लाइए, क्योंकि एक थॉट ही हमें बना भी सकते और हमें बिगाड़ भी सकते। तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स लाइए, कलर थेरेपी का फ़ायदा उठाइए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो जी लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि जो और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। और जी हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।